ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई एक माया नगरी है, लेकिन जब बारिश का मौसम सामने आता है तो वो चाहे BMC हो या TMC, बारिश का पानी पोल खोल देती है। आज हम मुंब्रा के शिवाजी नगर की बात करते हैं। हंगामा मचा था कि घर गिर गया है, कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी अफवाह फैली थी। जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता घटनास्थल पर मौजूद है, हम आपको सीधा लेके चलते हैं घटनास्थल पर। इस्लामुद्दीन, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। घर गिरने की खबर सामने आ रही थी और कुछ लोग दबे हुए हैं, ऐसी चर्चा थी, क्या है पूरी सच्चाई? जी फिरोज, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुंब्रा के शिवाजी नगर में, और शहर में एक अफवाह फैल गई थी कि शिवाजी नगर में बारिश की वजह से एक घर गिर गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो घर नहीं है, वो एक दीवार है जो गिर गई है। वो एक नाले के किनारे जो है दीवार बनी हुई थी। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दीवार जो है एक नाले के तरफ बनी हुई थी ये दीवार, और यही दीवार लगातार 3 से 4 दिन जो बारिश हो रही है, उस बारिश होने की वजह से जो है ये दीवार गिरी है। फिलहाल जो इस दीवार का मलबा है, वो मलबा है इस नाले में गिरने की वजह से जो पहाड़ के तरफ से पानी आता है वो पानी भी अब दीवार गिरी है, ठीक उसी से लगकर घर और दुकान भी है, क्या उनको खाली कराया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दो घर है और 2-3 दुकानें हैं, तो महानगर पालिका ने जो है इन दुकानों को खाली करा दिया है एहतियात के तौर पर कि दीवार गिरी है, लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है। दीवार गिरने की वजह से इस मकानों को भी खतरा है, हो सकता है कि मकान भी गिर जाए। एहतियात के तौर पर जो है महानगर पालिका ने जो है इन मकानों को भी खाली करा दिया है। इस्लामुद्दीन, दीवार गिरे हैं, लेकिन क्या इस वक्त अधिकारियों के दौरे हुए हैं और क्या जानकारी अधिकारियों ने दिया है? फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी सर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दीवार क्यों गिरी। बारिश फिलहाल हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से ये दीवार गिरने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, दीवार की कोशिश क्या हुआ? ये दीवार 20 साल पहले बांधी थी, और तभी दीवारें बांधी जाती थी पत्थर की और सीसी की, और ये सीसी क्या, उसके अपोजिट की दीवार अभी बांधी शानू भाई के कार्यकाल में, वो दीवार अच्छी है, वो RCC बांधी। तो मुमरा में अभी अपन डिजाइन ही बदली किया, सब दीवार बांधे गए तो RCC की बांधे थे। ये सीसी की थी और बहुत पुरानी भी थी, और एक 15 दिन पहले हम आए थे इधर, ये जब पहला बारिश हो गया 9-10 तारीख को हम इधर आए थे, तभी बोले थे ये दीवार अपने को गिरेगी। इसके लिए शानू भाई ने वो दुकान विकान सब पहले ही बंद कर रहा था, इसके लिए कोई अपनी को लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। जो गिर गए वो आज के आज साफ करके वाटर फ्लो अपन कंटिन्यू करेंगे, और ये इसका एस्टिमेट अभी INDP जो प्रोजेक्ट है अपना इंटीग्रेटेड नाला डेवलपमेंट, उसमें से ये हेड ऑफिस से मंजूर हो गई है, वो पूरा नाला अपन नया बांध के लेने वाले हैं। ये सीसी दीवार होने के कारण सुबह गिर गई, लेकिन हम लोगों ने तुरंत आके काम शुरू कर दिया। लोग जो जो लोगों की शिकायत थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम RCC दीवार बना के ले लेंगे, लोगों की समस्या को दूर कर। जिस तरह से 3 से 4 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से जो है यहाँ पर ये दीवार गिरी है, ये नाले पर दीवार बनी हुई थी, और ये दीवार बारिश लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से ये दीवार गिरी, जिसकी वजह से ये नाला भी बंद हो गया। बहरहाल जो ये नाला है, इस नाले में जो है पहाड़ से जो पानी आता है वो पानी यहाँ से नाले से जाता है। फिलहाल ये दीवार गिरने की वजह से जो है ये नाले में जो है पानी भी आना अब बंद हो गया है, जिसकी वजह से पहाड़ का पानी अब इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन जानकारी देने के लिए। प्रहार टाइम्स ने ग्राउंड रिपोर्ट से आपको खबर दिखाया है। दरअसल नाले का दीवार नाले में गिर गया है, लेकिन लोगों ने इसे अलग तरह से बताया, घर गिर गया है, तो कहीं न कहीं ये अफवाह है, अफवाह फैलाई गई। फिलहाल नाले में गिरे दीवार मलबे हटाए जा रहे हैं। वहां पर मौजूद थाने महानगर पालिका के अधिकारी धनंजय गोसावी, नगर सेवक, इस नाले को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। JCB लगाकर नाले में गिरे मलबे को हटाने का कार्य शुरू किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।